वो सब इनका मैसेज है जो मुझे ड्यूटी दी गई है आप तक पहुंचाने के लिए। मेरा व्यक्तिगत इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे जीवन में ये सौभाग्य हुआ कि MBBS करने के बाद ही मेरे जीवन में सदगुरु आ गए थे, आपके सदगुरु, एक अच्छे सदगुरु, और गीता से परिचय कराया उन्होंने। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चूंकि हम लोग कई डॉक्टर थे उनके संपर्क में, तो वो स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चर्चा किया करते थे। जीवन मुक्त महापुरुष थे, त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। तो एक बार उन्होंने मेरे से ये कहा कि बेटा तुम आयुर्वेद पढ़ना शुरू करो। दिस वॉज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं एलोपैथी में ट्रेन हुआ हुआ व्यक्ति पूरा जीवन, और मुझे ये कहा जाए कि आयुर्वेद पढ़ो, लेकिन गुरु आ गया थी तो कुछ थोड़ा जितना भी कर सकता था बहुत तो मेरे लिए मुश्किल था वो सब। और फिर एक मेरा परिचय कुछ बालकृष्ण जी, रामदेव जी से भी आ गया, उनके यहाँ कोई परिवार में फ्रैक्चर वगैरह हुआ था उसको ऑपरेट किया था। उधर हम आयुर्वेद में थोड़ा, गुरुदेव का इलाज भी हमेशा आयुर्वेद से ही होता था। तो त्रिगुणा वैद्य मशहूर वैद्य थे दिल्ली में, मोटा वैद्य बोलते थे उनको, उनके पास अक्सर जाना होता था। तो इस तरह से आयुर्वेद का कुछ परिचय होने लगा। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो पतंजलि में उन लोगों ने रिक्वेस्ट की बालकृष्ण जी ने कि उनके जो आयुर्वेद का कॉलेज है उनके बच्चों को थोड़ा एलोपैथी के बारे में बताया जाए थोड़ा सा उनको। तो वहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ, 2014 की बात है ये, और हमने जो भी कुछ कर सकते थे आयुर्वेद को लेकर भी वो सब कुछ किया। उसके बाद गुरुदेव ने मुझे ये फिर एक आदेश दिया जो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा था कि पैरों तले धरती निकल जाना। उन्होंने कहा कि तुम आयुर्वेद और एलोपैथी के कंपैरिजन पे किताब लिखो। आप सोच सकते हो आयुर्वेद का ABCD नहीं मालूम और मुझे किताब लिखने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन गुरु आ गया थी और शायद शक्ति उतर आती है अपने आप, तो एक किताब लिखी गई आयुर्वेद एलोपैथी एक तुलनात्मक विवेचन। वो किताब बैग में अगर उठा दिए ये वो पुस्तक है, मेरा बिल्कुल ये मानना है कि ये पुस्तक मैंने नहीं लिखी है, केवल मेरा शरीर काम में लिया गया है भगवान की तरफ से। और मैं भी जब इस पुस्तक को आज पढ़ता हूँ तो मैं कई बार आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि ये बातें मेरे द्वारा लिखी कैसे गई है, क्योंकि कोई एलोपैथी का व्यक्ति ये बात लिख नहीं सकता। और जितना जितना आज भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पुस्तक लिखी गई थी करीब 4 साल पहले 5 साल पहले, बल्कि 2016 की बात है शायद। उतना और कन्विक्शन मुझे भी होता है कि सच लिखा हुआ है इसके अंदर। और गुरुदेव ने इस पुस्तक को पूरा एक तरीके से उसकी एडिटिंग भी की थी। गुरुदेव आध्यात्मिक व्यक्ति थे, पूरी तरह से कर्मयोग में थे, ना कोई वैद्य थे ना डॉक्टर, लेकिन मानव जाति का कल्याण उनके अंदर रहता ही है संतों के अंदर। तो और चूंकि हमारा इस तरह से विषय था तो इस तरीके से ये कहानी शुरू हुई। नेक्स्ट, ये हॉस्पिटल है आनंद हॉस्पिटल मेरठ में, जहाँ में सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन की तरह हम लोगों का एस्टैब्लिश किया हुआ ही है। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ मैं वर्क करता हूँ। नेक्स्ट, तो आज का टॉपिक है आयुर्वेद एंड एलोपैथी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं कहने वाला हूँ ये भगवान का संदेश है आपके लिए, मेरा इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं है। नेक्स्ट, एलोपैथी हम सब जानते हैं एक वेस्टर्न मेडिकल साइंस है, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कह देते हैं, और जो पिछले करीब एक सेंचुरी से भी ज़्यादा से हमारी मुख्य चिकित्सा पद्धति बन गई। इसको बहुत एडवांस्ड एविडेंस बेस्ड कहा जाता है। एलोपैथी ने यह भी क्लेम किया कि इन्फेक्शियस डिजीजेस हमने जीत लिए हैं, एक टाइम पे हमने डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि हमने एंटीबायोटिक बना लिए। और ये भी क्लेम किया जाता है आज भी कि हमारी एवरेज लाइफ जो है एलोपैथी से पहले 40 ईयर्स हुआ करती थी और एलोपैथी के कारण वो 70 ईयर्स हो गई है। नेक्स्ट, और आयुर्वेद तो आप सब जानते ही हैं, हजारों सालों से सनातन एटर्नल हमारी केवल चिकित्सा पद्धति नहीं वरन जीवन का विज्ञान, जिसको हाशिए पे धकेल दिया गया पिछले कुछ वर्षों में। इसको अनसाइंटिफिक कहा जाता है कि साइंस नहीं है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, एविडेंस बेस नहीं है, और ऐसे ऐसे बात नीम हकीम खतरा है जान, मतलब खतरनाक है ये। नेक्स्ट, और आज की स्थिति है कुछ बदल तो रहा है, लेकिन MBBS के लिए नीट एग्जाम में लाइन लगती है और एलोपैथी में। अगर मैं पूछूं कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो चॉइस से आयुर्वेद में आए हैं और उनको अगर मौका मिले MBBS में जाने का तो चले नहीं जाएंगे,
बहुत अच्छी बात है, आई मस्ट क्लैप फॉर देम। और ये बदल रहा है, मेरे पास भी कुछ बच्चे आते हैं राय लेने के लिए, तो ऐसे ऐसे टॉपर लोग जिनके नीट में बड़े अच्छे स्कोर्स हैं वो अब आयुर्वेद बाई चॉइस जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, तो लेकिन फिर भी मेजॉरिटी में तो बहुत कुछ यही रहता है कि भाई मजबूरी से मैं आयुर्वेद में आना। तो मेरा और गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी ऐसा है आयुर्वेद के प्रति जैसे कोई साइंस नहीं है, तो मेरा कहना ये कि फिर अगर ऐसी बात है तो आयुर्वेद कुछ आयुर्वेद चल क्यों रहा है, इसको बंद क्यों ना कर दिया जाए और इस सारे कॉलेजेस को एलोपैथी कॉलेजेस में कन्वर्ट क्यों ना कर दिया जाए। एलोपैथी को मानते हैं मोस्ट कैपेबल, सब कुछ कर लेगी, साइंटिफिक है, एडवांस है, गवर्नमेंट का 98% बजट एलोपैथी को जाता है, आज भी हमारी मेन मेडिसिन है। नेक्स्ट, तो आयुर्वेद की आवश्यकता क्या है, ये इसको रिलायबल भी नहीं मानते, एविडेंस बेस तो मानते ही नहीं है, मॉडर्न नहीं है। क्राइसिस हुआ, पेंडेमिक हुआ कोरोना का, हम सब जानते हैं कि कैसे आयुर्वेद ने छुप छुप के कार्य तो किया, लेकिन पेंडेमिक लॉज होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, एलोपैथी के अलावा हमारे कंट्री में तो फिर भी यूज हो गया, आप तो और जगह तो यूज ही नहीं कर सकते किसी कंट्री में एलोपैथी के अलावा, ऐसी उनका उनका शासन है, तो क्राइसिस में भी यूज नहीं कर सकते जबकि सब कुछ है। तो मेरा ये पूछना है कि सारे हमारे जो ऑलरेडी प्रीशियस स्पेंट रिसोर्सेज हैं कंट्री के, हम तो वैसे ही रिसोर्सेज कम हैं, तो हम एक ऐसे डिसिप्लिन में क्यों झोंक रहे हैं उनको जो रिलायबल नहीं है, यूजफुल नहीं है। और आप सबका और या लाखों बच्चे हैं जो आयुर्वेद ज्वाइन करते हैं उनके कैरियर को क्यों स्टेक पर लगा रहे हैं। नेक्स्ट, ये मैंने पूछा आपसे अभी, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग आए काफी लोग शायद मजबूरी में। नेक्स्ट, तो अब कुछ बातें जानने की हैं, आ तो गए हैं आयुर्वेद में, तो क्या आयुर्वेद की कोई आवश्यकता देश को नहीं है, विश्व को नहीं है, स्वास्थ्य में कोई आयुर्वेद का योगदान नहीं है, और मुख्य चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के चलते हमें देखना चाहिए कि आज हमारे स्वास्थ्य की कंट्री की स्थिति क्या है। नेक्स्ट, आपको मालूम होगा दो प्रकार के लोग एलोपैथी मुख्य रूप से मानती है, एक कॉम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीजेस बोलते हैं और एक नॉन कॉम्युनिकेबल। कॉम्युनिकेबल में जैसे बैक्टीरिया वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, एयर के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, ब्लड के थ्रू हो सकता है, वेक्टर के थ्रू हो सकता है, मॉस्किटोस वगैरह के द्वारा या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। तो इसके एग्जांपल में जैसे आप टीबी, मलेरिया, कॉलरा, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, एक नोसोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, अनेक एग्जाम्पल हैं। और नॉन कम्युनिकेबल जिसको हम एलोपैथी वाले लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर या क्रॉनिक रोग भी कहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, रेस्पिरेटरी इलनेस, थायराइड, स्ट्रोक, ऑस्टियोपोरोसिस, मेंटल दुनिया भर की बीमारियां। नेक्स्ट, वी आर फेलिंग एट बोथ डिफरेंस, वी आर फेलिंग। नेक्स्ट, कॉम्युनिकेबल डिजीजेस, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम सबने देखा है कोरोना, कैसे पूरा विश्व जब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक हुआ था उतनी ही हेल्प वर हेल्पलेस, बिल्कुल जैसे हम 100 साल पहले थे। और इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, वी आर लूजिंग फाइट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, वी हैव वैक्सीन, वी हैव एंटीबायोटिक्स, दे आर नॉट वर्किंग, न्यू थ्रेट वायरल हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, आपने सुना भी नहीं होगा शायद इतना नाम, एच आई वी एड्स, मलेरिया पहले से ही है, डायरिया, निमोनिया, दिस विल क्लेमिंग लाइफ, और अब एनुअल एपिडेमिक्स होने लगे हैं, डेंगू, चिकनगुनिया या हर साल स्वाइन फ्लू, और नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज द बिगेस्ट थ्रेट, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वहां मौतें हो रही हैं, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, हॉस्पिटल में जाना खतरनाक है। नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है कि वी आर नॉट रेडी फॉर नेक्स्ट पेंडेमिक, एंड नेक्स्ट बिग पेंडेमिक कैन किल 80 मिलियन पीपल, कैन यू बिलीव दिस। नेक्स्ट, और नॉन कम्युनिकेबल, आज की स्थिति यह है कि घर घर में एक ना एक क्रॉनिक रोग है, मुश्किल है आपको अपने घर में कोई मिलना जो दवा ना खा रहा हो, डायबिटीज की हम कैपिटल बन चुके हैं, प्लानिंग कमीशन की प्रेडिक्शन है कि आने वाले कई सालों में ये मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो एलोपैथी के पैरामीटर हैं, ब्लड प्रेशर के, कोलेस्ट्रॉल के, शुगर के, इन सब के हिसाब से ज्यादा लोग बीमार घोषित किए जा रहे हैं, रेंज भी कम करते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की रेंज अब नॉर्मल कह दिया 110 होना चाहिए, तो नेचुरली ज़्यादा लोग बीमार हो जाएंगे कहलाएंगे। और इनको पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर पॉपुलेशन
केमिकल ड्रग्स पे डिपेंडेंट होती चली आ रही है, और केवल कंट्रोल होता है, ठीक तो होता ही नहीं है, पूरे जीवन खा रही है दवाई। नेक्स्ट, और दिक्कत की बात यह है कि सारी दवाओं के एडवर्स इफेक्ट्स हैं, तो मतलब जो बीमारी एक बार हो गई वो तो रहने वाली है पूरे जीवन, और नए रोग और पैदा होंगे चूंकि अब उनके साइड इफेक्ट्स होंगे, तो डिजीज बर्डन तो बढ़ता चला जाएगा जो कि बढ़ रहा है। नेक्स्ट, कुछ लिस्ट किया मैंने एंटीबायोटिक का डिजास्टर, तो बताऊंगा आपको पेन किलर जो हम बहुत हर प्रेस्क्रिप्शन का पार्ट है, जीआई फेलियर होता है, पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग, लीवर डैमेज, किडनी फेलियर होने का बड़े से बड़ा कारण है, एनसेड्स यूज करते हैं पेन किलर्स, और हार्ट अटैक है, ऐसे ही एंटासिड बहुत बड़ी पॉपुलेशन रोज एक कैप्सूल से को खा लेती है कि ऐसे लेटे ना हो, ऑस्टियोपोरोसिस क्योंकि अब एसिड नहीं बचा पेट के अंदर, तो वाइटामिन बी12 का कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता तो ऑस्टियोपोरोसिस होगी, कोलेस्ट्रॉल के ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हैं, ब्लड प्रेशर के ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड्स के लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन हम आप भी देख रहे होंगे कोविड में बहुत स्टेरॉइड यूज हुए, उसकी कॉम्प्लिकेशन अभी मेरी बात हो रही थी डॉक्टर श्वेता से बता रही थी, और हम भी देखते हैं एवीएन एवास्कुलर नेक्रोसिस फीमर बहुत के सारे कोविड के बाद, और बहुत और कैंसर कीमोथेरेपी तो आपको मालूम है कितनी टॉक्सिक होती है। नेक्स्ट, एक और नया बात शुरू हो गई है, ऑर्गेन्स हैव स्टार्टेड फेलिंग एट एन अलार्मिंग स्पीड एंड द नीड फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट बाईपास सर्जरी, ये बढ़ती चली जा रही है, और वो भी यंगर एजेस में, और हम सब और गवर्नमेंट भी समझ रही है कि ये बड़ी से बड़ी साइंस है, क्योंकि अब हम जोड़ बदल देते हैं, गुर्दे बदल देते हैं, तो ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट है, केवल हेल्थ साइंस तो नहीं हुई, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है हर स्टेट में हर शहर में एम्स बना दिया जाए ताकि सब लोगों के गुर्दे बदले जा सके। नेक्स्ट, आर्थिक बर्बादी हो रही है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में है वैसे ही, भारत में 5 करोड़ लोग हर साल मॉडर्न मेडिसिन ट्रीटमेंट के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, और अमेरिका तक में ये हाल है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में जो लोग अपना दिवाला पीटते हैं बैंक कर से डिक्लेयर करते हैं उनमें 70% जो कॉज है वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, अमेरिका में सबसे बड़ा बुरा हाल है कॉस्ट पर। नेक्स्ट, तो हम सोचने की बात है कि हम हेल्थ की तरफ जा रहे हैं या बर्बादी की ओर जा रहे हैं, जब इतना विकास हुआ मॉडर्न मेडिसिन का तो कायदे से तो मानव जाति को रोगों से फ्री हो जाना चाहिए था, हुआ तो उल्टा बिल्कुल। नेक्स्ट, और WHO ने 1977 में एक स्लोगन दिया था हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, मिला क्या, हर एक को गोलियां मिली, हाईटेक सर्जरीज मिली, हाईटेक ट्रीटमेंट्स मिले, हेल्थ नहीं मिली। नेक्स्ट, मॉडर्न मेडिसिन में और रोगों में डिजीज बर्डन में दौड़ मची हुई है, कौन आगे निकल जाए, जितना विकास होता है उतना रोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, हमें बताया गया कि भाई इंडिया तो प्योर कंट्री है, तो मॉडर्न मेडिसिन अभी सब जगह पहुंची नहीं है, गाँव गाँव में नहीं पहुंची है, तो इसलिए हमारी हेल्थ खराब है, तो अमेरिका का क्या हाल है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर हेल्थ पर खर्च करता है मोस्ट एडवांस कंट्री तो अमेरिका है, जहां पे मॉडर्न मेडिसिन अपनी पूरी शक्ति से काम करने का मौका है, कोई शिकायत की बात नहीं हो सकती। नेक्स्ट, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डिजीज बर्डन वहां भी बढ़ रहा है, और सब जानते हैं कोविड में सबसे बुरा हाल अगर किसी कंट्री का हुआ है तो अमेरिका का हुआ है, क्यों, इतना एडवांस कंट्री है, एलोपैथी इतनी सक्षम है, तो वहां पे क्यों बुरा हाल हुआ। नेक्स्ट, तो एक क्वेश्चन मार्क अब होना चाहिए कम से कम कि ये एक हेल्थ साइंस है भी या नहीं है, ये मैन काइंड के लिए अच्छी है या नहीं। नेक्स्ट, एक किताब लिखी गई अमेरिका में डेथ बाय मेडिसिन। नेक्स्ट, और वहाँ के कई डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने अमेरिका का पूरा डेटा, वहाँ अवेलेबल है सब चीज़ें, पूरा डेटा को कलेक्ट करके उसको स्टडी किया, और तो जो रिजल्ट्स आए नेक्स्ट ये वो शॉकिंग। नेक्स्ट, ये पता चला कि जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ एंड इंजरी इन यूएसए, जो कि वहाँ डेटा है, इसको हम आयाट्रोजेनिक डिजीज कहते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट के द्वारा होने वाली जो प्रॉब्लम है या डेथ है, तो ये डेटा 2001 का है जिसमें बताया गया कि मेडिसिन के कारण जो डेथ हुई वो 0.8 मिलियन थी, और कैंसर और हार्ट डिजीज से डेथ कम हुई, लेकिन ये कॉज जो है WHO ने छुपाया हुआ है, क्योंकि वो हर साल पब्लिश करते हैं 10 टॉप मोस्ट कॉजेज ऑफ डेथ,
उसमें हार्ट और कैंसर तो है, लेकिन ये आइटोजेनिक कॉज नहीं है, क्योंकि इसको बता दिया तो तूफान आ जाएगा। नेक्स्ट, क्यों क्यों होती है डेथ? एडवर्स इफेक्ट्स नंबर वन, नंबर टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, नंबर थ्री मेडिकल एरर्स बहुत होती हैं, और चौथा है हम लोग ड्यू टू वॉट एवर रीजन वी आर डूइंग अननेसेसरी मेडिकेशन, अननेसेसरी एडमिशन एंड अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्जरी। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी वर्ल्ड का डेटा है ये कि अगर 100 होती है तो केवल 30-40 में इंडिकेशन है, बाकी तो जबरदस्ती की जा रही है। नेक्स्ट, तो बहुत विकास माना जाता है मॉडर्न मेडिसिन का, तो लेकिन विकास हुआ किसका? बहुत बड़े बड़े शानदार डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल सर्जिकल टेक्निक्स कमाल है, डॉक्टर्स का विकास हो रहा है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, और सबसे ज़्यादा जो उसके रूट में है वो है इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री। नेक्स्ट, लेकिन जिस एक बात के लिए इन सब का विकास हुआ उसका क्या हल है? तो एल्डर्स एक्चुअली आपने सुना होगा, बहुत बड़े विचारक हुए अमेरिका के, वो कहते हैं मेडिकल साइंस हैज मेड सच ट्रिमेंडस प्रोग्रेस दैट देयर इज हार्डली ए हेल्दी ह्यूमन लेफ्ट। ये हाल है। नेक्स्ट, सो व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गड़बड़ी क्या हो रही है? सबसे एडवांस साइंस और बिलियंस ट्रिलियंस क्वाड्रिलियंस डॉलर स्पेंड खर्च हो चुके हैं, इससे भी अनगिनत पैसा खर्च हो चुका है, ह्यूमन एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजिकल प्रोसेस पैथोलॉजी सब जान लिया, माइन्यूटेस्ट पॉसिबल डिटेल में हमने जान लिया, जीन्स भी डब जान लिए, डीएनए आरएनए क्रोमोसोम सब कुछ भी बचा लिया। लेकिन अब प्रश्न ये है कि सब कुछ जानने के बाद भी हेल्थ का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है? कितना टाइम लगेगा इन लोगों को और मॉडर्न मेडिसिन को हेल्थ देने में? नेक्स्ट, क्या गलती है? कुछ इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, ट्रायल्स हैं, एविडेंस, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, जो ब्रेक थ्रू प्रिंसिपल्स हुए मॉडर्न मेडिसिन के बताता हूँ मैं आपको, ये 4 या 5 कह सकते हैं हम। सबसे पहला तो है जर्म थ्योरी, 1860 में लुईस पास्टर साहब ने दी थी, और उन्होंने ये बताया कि रोग जो है वो जर्म्स के कारण होते हैं। इससे पहले मॉडर्न मेडिसिन में कुछ नहीं पता था, उससे पहले थ्योरी थी एक सुपर नेचुरल थ्योरी, दैवीय शक्ति से होते हैं, फिर मियाज्मा थ्योरी आई, बैड एनवायरमेंट से होते, कुछ नहीं पता था, तीर तुक्के चलते थे। पहली बार एक कॉन्क्रीट बात सामने आई कि जर्म से होती है बीमारी, ये उनका एक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। और उसी टाइम उन्होंने जर्म से प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन डेवलप की, पहली वैक्सीन रेबीज और स्मॉल पॉक्स, हालांकि स्मॉल पॉक्स का ओरिजिन इंडिया से माना जाता है, लेकिन ये तो पता चल गया कि जर्म इन्फेक्शन डिजीज कॉज कर रहा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कोई नहीं था। तो फिर 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज करी, जिसका पहला यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, और तूफान मच गया, क्योंकि उनके पास उससे पहले कुछ था नहीं वुंड्स को ट्रीट करने के लिए, तो उनके जो वॉर में जो वुंडेड सोल्जर्स होते थे वो मर जाया करते थे जनरली, तो पेनिसिलिन से मानो चमत्कार हो गया, और पूरा वेस्टर्न जगत बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंच गया कि हमने तो गजब कर दिया। तो ये एंटीबायोटिक थे। और चौथी बात है क्लिनिकल ट्रायल और एविडेंस बेस, जिसकी वजह से मॉडर्न मेडिसिन को साइंटिफिक कहा जाता है और आयुर्वेद को साइंटिफिक नहीं माना जाता। ये 4-5 प्रिंसिपल उनके जो हैं ये ब्रेक थ्रू हैं, एक एक करके देखेंगे। नेक्स्ट, जर्म थ्योरी, बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन बता दिया कि जर्म से रोग होता है, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, जो इसके फाउंडर थे जर्म थ्योरी के, उन्होंने ही स्वीकार किया, उनका असिस्टेंट था बर्नार्ड, कहते बर्नार्ड वाज राइट, द जर्म इज नथिंग, द टेरेन, टेरेन मतलब एनवायरमेंट, हमारा शरीर होस्ट, टेरेन इज एवरीथिंग। नेक्स्ट, वो कहते हैं इट इज नॉट द जर्म्स वी नीड टू वरी अबाउट, इट इज अवर इनर टेरेन, अवर इम्यूनिटी। नेक्स्ट, रॉबर्ट कॉक इनके, लुईस पास्टर के वो फ्रेंड से ही जर्मन थे, इन्होंने बहुत काम किया, इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन खोजा, और इन्होंने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया जर्म और बीमारी के बीच में, और इनके पोस्टुलेट्स आए, बड़े फेमस हुए वो, और इन्होंने बिल्कुल एस्टैब्लिश कर दिया कि जर्म ही कारण है इन्फेक्शन डिजीज का। सब आज की तारीख में बदल चुका है, अब ये वैलिड नहीं रहा है। ग्रेटेस्ट इरेडिकेशन क्या है? जर्म तो सब जगह है,
लेकिन बीमार सब नहीं पड़ते, कोई कोई पड़ता है बीमार। कोविड के टाइम में भी हमने सबने देखा कि सारी पॉपुलेशन से बीमार नहीं हुई, जिन जिन की इम्यूनिटी कम थी वो लोग बीमार हो गए। तो ये थ्योरी गलत हो गई। नेक्स्ट, एक रुडोल्फ वर्चुआव हुए हैं, ये फादर ऑफ पैथोलॉजी और सोशल मेडिसिन माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे अगर एक जीवन और मिलेगा तो मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि जर्म रोग का कारण नहीं है, बल्कि जर्म रोग में पैदा होता है। एनवायरनमेंट खराब है, जैसे कहीं पे गंदगी है तो मक्खियां आ जाएंगी, लेकिन मक्खियां गंदगी थोड़ी करती है। तो ये इन्होंने कहा। नेक्स्ट, तो आज की तारीख में मॉडर्न मेडिसिन क्या मानती है, अब आ गए थोड़ा सा लाइफ पे, कि इट इज ए ट्रायड ऑफ एजेंट, यानी कि जर्म, एनवायरनमेंट एंड होस्ट, इनका ट्रायड से रोग होता है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होस्ट है। अगर होस्ट मजबूत है तो कैसा भी जर्म हो बीमार नहीं कर पाएगा। सीधा एग्जाम्पल है, अगर आप अपने दांत रोजाना साफ नहीं करते हैं और उसमें कीड़ा लग जाता है, तो क्या कारण है कीड़ा लगने का? गंदगी कारण है ना, कीड़े ने थोड़ी गंदगी की। अगर आप साफ रखोगे तो कीड़ा नहीं लगेगा। तो होस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नंबर टू, वैक्सीन की बहुत लिमिटेड यूटिलिटी है, लेकिन इट वॉज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। जैसे वैक्सीन बहुत बड़ी बात है, इसकी एफिकेसी और सेफ्टी सबसे ज्यादा आप कोरोना में देख लो पूरे तरह से क्वेश्चन मार्क है कि इसने कुछ किया भी है नहीं। बल्कि अब तो ये बात आ रही है कि जो यंग डेथ्स बहुत बढ़ती जा रही है वो शायद वैक्सीन की वजह से हो रही है। वैक्सीन क्या होती है? एक आर्टिफिशियली एक्वायर्ड जर्म एंड स्ट्रेन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। किसी एक जर्म के लिए एक खास वैक्सीन, और उसके स्ट्रेन बदल जाए तो वैक्सीन बदल जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? इन्यूमरेबल जर्म्स हैं, 2000 स्पीशीज को आइडेंटिफाई हो चुकी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, 7-8 अरब जितनी भी है, और जर्म्स म्यूटेट कर लेते हैं अपने आप को, उनका स्ट्रेन चेंज हो जाता है। तो भैया कितनी वैक्सीन लगाओगे, कितने लोगों को लगाओगे, कितनी बार लगाओगे? और वैक्सीन की इम्यूनिटी की लाइफ होती है, उसको रिपीट करना पड़ता है। वो क्लेम करते हैं कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो हमने वैक्सीन से इरेडिकेट किया है, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन आपको मालूम है पोलियो इरेडिकेट करने में अब हुआ नहीं है, लेकिन जितना भी हुआ है करीब करीब 30 साल हो चुके हैं प्रोग्राम चलते हुए, और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो चुके हैं एक जर्म के लिए, और नए नए जर्म और पैदा हो गए। तो क्या ये संभव है कि हम वैक्सीन से कंट्रोल कर लेंगे? नहीं, मूर्खता की बात है। नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, एड्स, नीपा, इबोला, स्वाइन फ्लू, डेंगू, कोरोना आ गया, और जो कुछ पुरानी बीमारियां ठीक हुई थी वो दोबारा से रीइमर्ज हो रही हैं, टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी वगैरह। आयुर्वेद क्या कहता है यहाँ पे? आयुर्वेद कहता है कि ऐसी जनरल इम्यूनिटी होनी चाहिए जिसमें कोई जर्म की स्ट्रेन की बात ही नहीं है। कोई सा भी आ जाओ, हम मजबूत खड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये चाहिए एक्चुअली। नेक्स्ट, और ये भी सब जानते हैं, ये कहा जाता है कि जो ये मैंडेटरी वैक्सीनेशन है ना, जो कि सब कंपलसरी है वैक्सीन लगवाना, इसका एक प्रॉफिट है, हेल्थ नहीं है। नेक्स्ट, तीसरा जो बड़ी से बड़ी रिकवरी हुई है, डिस्कवरी हुई है, वो है एंटीबायोटिक्स। पूरे वेस्ट में सबसे बड़ी बात मानी जाती है एंटीबायोटिक्स, इस्तेमाल कर लिया हमने। नेक्स्ट, आज की स्थिति है, इनको मैजिक बुलेट्स कहा जाता था, मैजिक खत्म हो गया। एंटी माइक्रोवेव रेजिस्टेंस, बिगेस्ट प्रॉब्लम बिफोर द वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड। अब ये काल, नेक्स्ट दिखाइए, WHO ने डिक्लेयर किया 2014 में ही कि वी आर इन टू पोस्ट एंटीबायोटिक एरा ऑलरेडी एंड नाउ इट विल बी डिफिकल्ट टू ट्रीट इन्फेक्शंस एंड इवन डू द सर्जरी। नेक्स्ट, 2016 में UN ने डिक्लेरेशन किया, पहली बार UN किसी मेडिकल कॉज के लिए इकट्ठा हुआ, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज अवर बिगेस्ट ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है, उसके लिए तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट, 50-60 साल के अंदर पहली बार यूज हुआ 45 में, सब कुछ बदल गया, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। नेक्स्ट, और स्थिति और खराब हो गई, पहले सिंपल बग होता था बेचारा, अब वो हो गया सुपर बग, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। नेक्स्ट, फार्मा कंपनी ने कहा हमें एंटीबायोटिक्स के चक्कर में पड़ना ही नहीं, क्योंकि दो कारणों से प्रॉफिट उनको चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि एक तो एंटीबायोटिक जीवन में कोई 5-7 दिन खाता है एक बार में, दूसरा जो एंटीबायोटिक बना वो बेकार हो जाती है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, तो ये तो प्रॉफिट का धंधा नहीं है। उन्होंने कहा हमें तो जीवन शैली रोगों में काम करना है, ब्लड प्रेशर की है पूरे जीवन खिलाएंगे दवाई मजा आएगा। नेक्स्ट,
और एंटीबायोटिक ने काम करना ही नहीं बंद किया है, इसका दूसरा एस्पेक्ट बताता हूँ मैं आपको कि इसने मानव जाति के स्वास्थ्य को कैसे बर्बाद किया है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही तरीका है क्या ह्यूमन बींग्स पे यूज करने का। नेक्स्ट, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है एंटीबायोटिक्स के ऊपर, वो कहते हैं कि वी बिगन द एंटीबायोटिक एरा विद अ फुल फ्लेज्ड अटैक ऑन बैक्टीरिया, हमने युद्ध डिक्लेयर कर दिया कि बैक्टीरिया से हमारा युद्ध है, बट वो कहते हैं इट वॉज ए बैटल मिसकंसीव्ड, गलत है ये, वी कैनॉट विन द बैक्टीरियल वर्ल्ड, माइक्रोब्स को हम जीत नहीं सकते हैं क्योंकि हम उनसे पैदा हुए हैं, उसी में डेवलप हुए हैं। वो कहते हैं हमें माइक्रोबायोम और माइक्रोबायोटा का बहुत ख्याल रखना है। वो क्या है, नेक्स्ट, हमारे शरीर में, हमारे स्किन पे भी, हमारे शरीर के अंदर, हमारी आंतों में मेन मेन रूप से ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मौजूद है, माइक्रोब्स मौजूद है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, सब कुछ मौजूद है। इनका नंबर कितना है, हमारी अपनी जो ह्यूमन सेल्स हैं उससे 10 times, और इसको कहते हैं माइक्रोबायोटा। और माइक्रोबायोम क्या है, इस सारे बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो मिलाकर इसको माइक्रोबायोम कहते हैं, और वो कितना है, हमारे अपने जेनेटिक मटेरियल से 100 times। इसका मतलब ये हुआ कि हम ह्यूमन नहीं है, हम तो एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं, ये सच्चाई है। नेक्स्ट, ये बहुत स्टडीज होती हैं, ओमिक स्टडीज कहते हैं, तो पता चल चुका है करीब करीब 2000 स्पीसीज बैक्टीरिया की खोजी जा चुकी हैं, और अभी रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है। नेक्स्ट, इसके माइक्रोबायोम के फंक्शंस क्या हैं, इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि इसको अब फॉरगॉटन ऑर्गन कहा जा रहा है। सेकंड, ब्रेन, ब्रेन का फंक्शन भी करते हैं ये जो बैक्टीरिया है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट इन्हीं से होता है, यही हमारी वो आर्मी है जो दुश्मन बैक्टीरिया से हमें बचाती है, जो पैथोजेंस हैं, सिंथेसिस ऑफ विटामिन, फैटी एसिड्स, हमारा मेटाबॉलिज्म, बिहेवियरल डेवलपमेंट, ये सब काम हमारा माइक्रोबायोम करता है। नेक्स्ट, और एंटीबायोटिक क्या करती है, एंटीबायोटिक सबसे पहले हमारे माइक्रोबायोम को नष्ट करती है, पैथोजन तो मरे ना मरे लेकिन हमारा माइक्रोबायोम खत्म हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज हो जाती है, इन्फेक्शन के लिए हम मोर ससेप्टेबल हो जाते हैं, और मेटाबॉलिज्म सारा खराब हो जाता है, तो नतीजा क्या होता है। नेक्स्ट, सुना होगा आपने एंटीबायोटिक यूज करते करते कभी इतना डायरिया लगता है, GI तो बहुत खराब होता है कि कभी कभी तो फेटल हो जाता है, कंट्रोल ही नहीं होता। सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत, जो जो लोग भी एंटीबायोटिक हर सीजन में खाते हैं वो बार बार बीमार होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। और ये जानकर आपको आश्चर्य, एटॉपिक यानी कि एलर्जी डिजीजे जो है, इन्फ्लेमेटरी एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे एस्मा, एलर्जी, ये सब स्टडीज हो चुकी हैं कि एंटीबायोटिक की वजह से ये सब रोग बढ़ रहे हैं, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओबेसिटी, मोटापा, इसलिए आजकल जो बच्चे हैं हमारे बहुत मोटे मोटे होते हैं जब, क्योंकि एंटीबायोटिक बचपन से खिलाने का चला हुआ है, और इसलिए ये एंटीबायोटिक जानवरों को खिलाई जाती है एनिमल फार्मिंग में, जिससे कि मोटे हो जाएं तो फिर ज़्यादा वेट होगा, कैसे ज़्यादा मिलेगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आजकल फैटी एसिड, फैटी लीवर बहुत कॉमन है, एनएफएलडी जो बोलते हैं, जैसे नॉन फैटी, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, ये सब, और डायबिटीज, इसका सबका कनेक्शन इस बात से एंटीबायोटिक से। मार्टिन बेजर कहते हैं कि किसी हेल्थ प्रोफेशनल ने कभी नहीं बताया आपको कि जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हो तो आप इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हो, अब जल्दी बीमार पड़ोगे आप। नेक्स्ट, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह है, मेन प्रॉब्लम एंटीबायोटिक है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, बात केवल रेजिस्टेंस की हो रही है। नेक्स्ट, और दुख की बात यह है कि इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड में एंटीबायोटिक्स का। नेक्स्ट, मॉडर्न मेडिसिन ने भी यूक्रेन लिया है, थोड़ा सा दिखाइए। नेक्स्ट, आपको ये अजीब लगेगा कि प्रोबायोटिक्स का नाम सुनाइए होगा सबने, क्यों देते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक ने जो माइक्रोब खत्म कर दिया उसको रिगेन करने के लिए, और क्या कर रहे हैं, शिट के कैप्सूल खिलाए जा रहे हैं, हेल्दी ह्यूमन की शिट के, पॉटी के कैप्सूल बना के, जिससे कि जो हेल्दी माइक्रोब है वो रिकवर हो जाए हाथों में, और फीकल ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं और रोग ठीक किए जा रहे हैं इससे, पहले बर्बाद करो फिर उसको इस तरीके से। नेक्स्ट, और अब ये भी कहने लगे हैं कि पहले कहते थे कि एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना जरूरी है, अब कहने लगे भैया पूरा मत करो, जितना जरूरी हो उतना खा लो, अब ये साइंटिफिक बात आ रही है। नेक्स्ट, WHO ने 2016 और 18 में रिवाइज किया ग्लोबल गाइडलाइंस इशू की कि सर्जरी में, आपको मालूम होगा आज की तारीख में भी पूरे वर्ल्ड में तो नहीं कहूँगा, इंडिया में खासतौर से बड़े से बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में भी कोई भी सर्जरी होती है तो 10-10 दिन एंटीबायोटिक जरूर देते हैं।
डब्ल्यूएचओ ने कहा ये गलत है। क्यों गलत है? उन्होंने तीन बातें बताई कि एक तो ज्यादा यूज करने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होता है, दूसरा उल्टा है, हम सोचते हैं कि इन्फेक्शन रोक रहे हैं, डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि इम्यूनिटी को खत्म कर रहे हो। और तीसरा वो कहते हैं कि माइक्रोबायोम को हार्म करेगा, लेकिन ये सब जानते हुए भी कोई डब्ल्यूएचओ की तरफ से कोई कैंपेन नहीं चल रहा है, चल रहा है जो चलना चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव कोई है नहीं। नेक्स्ट, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या एंटीबायोटिक्स आर रियली इंडिस्पेंसिबल? क्या 1945 से पहले एंटीबायोटिक के बिना सारी मानव जाति मर गई थी? क्या उससे पहले सर्जरी नहीं होती थी? क्या इलाज नहीं होते थे? चरक में बड़े से बड़ा चैप्टर फीवर के ऊपर है, ट्रीटमेंट चिकित्सा स्थान में सबसे बड़ा चैप्टर फीवर के ऊपर है। तो फीवर कैसे ठीक होते थे बिना एंटीबायोटिक के? और सुषुप्त महाराज जो सारी सर्जरी कर रहे थे वो बिना एंटीबायोटिक के कैसे होती थी? नेक्स्ट, ये एक सर्जरी हुई मेरठ में, हमारे अस्पताल में हुई, हमने कराई हुआ एक्चुअली, प्रोस्टेट 400 ग्राम का प्रोस्टेट और 4 घंटे की सर्जरी विदाउट एंटीबायोटिक्स, ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये न्यूज हमने कुछ नहीं किया, भगवान जाने कैसे ये फैल गई और पूरे देश विदेश में ये वायरल हो गई न्यूज और मीडिया ने कवर किया। तो नेक्स्ट, फिर हमने इसका एक आर्टिकल भी छपाया जैन के अंदर, द रोल ऑफ आयुर्वेद मैनेजमेंट इन प्रिवेंटिंग सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इन स्पीड ऑफ सर्जिकल एंटीबायोटिक प्रोफाइलिसिस। मैंने अपना नाम सेकंड नंबर पर रखा हुआ है, था मैं पहले नंबर पर, ठीक है। और ये पेशेंट कौन थे? वो मेरे गुरुदेव थे, 83 इयर्स के। जिन्होंने अपने शरीर पे ये प्रोस्टेट की सर्जरी, आपको मालूम है यूरिन यूरिन के अंदर होती है सारी, उन्होंने अपने शरीर में एक्सपेरिमेंट करके शायद मानव जाति को संदेश देने के लिए किया होगा, उसके बाद फिर मेरे जीवन में परिवर्तन आया। नेक्स्ट, और फिर मैंने आज जितनी भी मॉडर्न सर्जरीज हैं, बहुत सर्जरीज में मैं एंटीबायोटिक यूज नहीं करता हूँ, आर्थरोस्कोपी क्लोज सर्जरी में कोई जरूरत नहीं है, तो बहुत 100 के करीब हो चुकी होंगी। इम्प्लांट सर्जरीज जो एक एक घंटे के कम की सर्जरीज हैं, मैं एंटीबायोटिक यूज नहीं करता हूँ, पेट डालने तब भी नहीं करता हूँ। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज सिंगल शॉट ऑफ एंटीबायोटिक यूज करता हूँ, जो WHO रिकमेंडेशन है, एक शॉट। देखो जब सर्जरी करते हैं ना, जब इंसीजन लगाते हैं तो हमारी जो अंदर के ऑर्गेन्स हैं वो एटमोसफेयर को एक्सपोज हो जाते हैं, स्किन का बैरियर पर चला जाता है, उस समय हमें कवर चाहिए। मैं पूरी तरह से इसको हटा भी नहीं सकता क्योंकि किसी दिन जेल वेल हो जाएगी इसलिए तो थोड़ा जो प्रोटोकॉल है तो वो हमने इसको फिंगर शॉट यूज़ कर लेते हैं। फिंगर शॉट से ज़्यादा तो मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ, और मेरी प्रैक्टिस में 95% एंटीबायोटिक का यूज नहीं होता। नेक्स्ट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लेटिंग के। नेक्स्ट, विदाउट एंटीबायोटिक। नेक्स्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी विदाउट एंटीबायोटिक की, हालांकि मैं अब नहीं करता हूँ, मैं उसको फिंगर शॉट जरूर यूज़ करता हूँ क्योंकि प्रीशियस सर्जरी है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो। इससे भी ज़्यादा ये है कि एंटीबायोटिक चलते हुए गड़बड़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना एंटीबायोटिक के गड़बड़ हो गई अगर तो फिर दिक्कत है। ये जो जॉइंट है ये आपके सीनियर वैद्य हैं आलोक शर्मा जी, उनका है, ये 20 दिन पहले किया हुआ मैंने किया है। ये सिंगल शॉट एंटीबायोटिक, पोस्ट ऑप कोई एंटीबायोटिक नहीं, और कितनी अच्छी रिकवरी होती है, पेशेंट की कितनी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक से तो सारा GI सिस्टम एक तो वैसे बेचारा बीमार पड़ा हुआ है, नौशिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, सब खत्म हो गया और रिकवरी बढ़िया होती है। नेक्स्ट, और कैसे करता हूँ मैं बताऊँ। नेक्स्ट, ये वीडियो चलाइए जरा, टच कर दो उसको, आप ऊपर ये टच है, टच इस पर टच कर दो एक बार, स्क्रीन पे ही नहीं चलेगा क्या? यहाँ चल रहा है सर, वहाँ नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो ये मैं बताता हूँ आपको, ये इलेक्ट्रिक हवन कुंड है,
इसके अंदर मैं हवन सामग्री जो होती है देसी घी का प्रयोग करते हैं और उनकी मैं इसको ऑपरेशन से पहले चलाता हूँ करीब एक घंटा के करीब, पूरा धुआं कर लेते हैं। हम केमिकल स्टरलाइजेशन करने में लगे हुए हैं, कितना हार्मफुल होता है वो विदाउट रियलाइजिंग दिस, क्योंकि भाई वेस्टर्नर्स के पास कोई चॉइस नहीं थी, हमारे पास तो है। नेक्स्ट चल गया, सो दिस इज द वे आई डू इट। कुछ एक दो सर्जन है जो प्रॉब्लम करते हैं कि हमें एलर्जी हो रही है, लेकिन सब माइंडसेट है। 90% से 95% जो ऊटी के लोग हैं उनको कहता है आप तो सारा है और इसकी स्मेल इतनी बढ़िया होती है कि इतना अच्छा लगता है कि नेक्स्ट। और ये वीडियो चला सकते हैं, चलाइए इधर वाला। ये मैं क्लेविकल प्लेटिंग कर रहा हूँ, क्लेविकल प्लेटिंग, और सब कुछ करने के बाद जो वुंड को वॉश करते हैं, अभी तक नॉर्मल सलाइन से ये सब बेकार की बातें हैं, बीटाडीन से, ये नीम और त्रिफला क्वाथ है। ये हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है, कैन यू इमेजिन दिस। मैंने कुछ आयुर्वेद के सर्जरी के लोगों से बात की तो क्या वो बोले कि हमारी तो रूह काम जाए कि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर नीम और त्रिफला क्वाथ डाल रहे हो, बट आई एम यूजिंग इट क्योंकि सुश्रुत ने बताया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल कोई इन्फेक्शन नहीं, कुछ भी नथिंग। नेक्स्ट, ये क्रश इंजरी है, सब क्लीन डिब्राइटमेंट करने के बाद जातियादी तेल से मैं ड्रेसिंग करता हूँ। एंड रिजल्ट्स आर फार फार बेटर, बजाय आप कुछ और चीज कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वगैरह यूज करो, उससे बहुत बेटर रिजल्ट है। और ये मेरे ओटी के लोग, स्टाफ के लोग जो हैं वो सब ने अपने पास जातियादी तेल ला कर रख लिया है, कोई घर में इंजरी होती जाते हैं यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये मैं दिखाना चाहता हूँ एक इम्पेंडिंग एब्सेस का केस लेग के अंदर नी के पास, इसको मैंने डेब्राइड किया, INT किया, इतना बड़ा गड्ढा बन गया इसके अंदर, जातियादी तेल से पैक कर दिया, दो दिन के बाद ये पोजिशन है। और पर उपदेश तो बहुत रहे होते हैं, 2018 में मुझे अपना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना पड़ा, एंड आई रिक्वेस्टेड माई सर्जन कि आप मेरे अंदर एंटीबायोटिक यूज नहीं करोगे, बड़ी मुश्किल से माने वो, और मैंने अपने स्टाफ को भी लगा दिया था कि मुझे तो बेहोश कर देंगे, तुम ध्यान रखना एंटीबायोटिक नहीं लगाते। तो मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, फर्स्ट क्लास रिकवरी हुई, नो एंटीबायोटिक, ओनली आयुर्वेदा मेडिसिन। अब मैंने आपको तीन बातें बता दी कि कैसे उनका कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब क्लिनिकल ट्रायल और एविडेंस बेस, सबसे बड़ी बात जो आयुर्वेद की जान गवाई हुई है, और आयुर्वेद वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्लिनिकल ट्रायल कर करके एविडेंस पैदा कर दें। मोदी जी की तरफ से भी ये, उनको बेचारों क्या पता, उनको भी ये है कि भाई एविडेंस लाओ तो मैं कुछ करूँगा, और पूरा आयुर्वेद जगत लगा हुआ है इस काम में एविडेंस इकट्ठे करने के लिए। नेक्स्ट, मैं थोड़ी क्लिनिकल ट्रायल की हिस्ट्री बताऊंगा आपको। वेस्टर्न जगत में कुछ नहीं पता था रोगों के बारे में, मैंने आपको बताया बिल्कुल पूरे, बिल्कुल कुछ नहीं पता था उनको। क्या होता था उनके टाइम में, बीमार होते थे तो वो शराब का या अफीम वगैरह का इस तरह के मिक्सचर बना के रखते थे, और कंपनियां थी उनकी, वो उनकी भी फेमस मिक्सचर हुआ करते थे, पेटेंट शुरू से ही था उनके यहाँ, मेरी कंपनी का, कोई नहीं बताता कि इसमें कॉन्टेंट्स क्या हैं, एफिकेसी क्या है, सेफ्टी है नहीं है। नतीजा क्या होता था, पता तो कुछ था ही नहीं, बहुत डिजास्टर होते थे, बहुत मृत्यु, सिर्फ पिया मर गए। फिर हाहाकार मच गया, तो 96 में अमेरिका में FDA का जन्म होता है। फिर ये बात आई कि भैया आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या तो कॉन्टेंट्स हैं आपके, आपको इसकी सेफ्टी प्रूव करनी पड़ेगी और इसकी एफिकेसी प्रूव करनी पड़ेगी, तब हम इसका अलाउ करेंगे मार्केटिंग करना। तो क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए, तो उन्होंने कहा कि पहले ह्यूमंस में आप पहले कुछ लोगों में चेक करो। तो क्या हुआ, जिनमें चेक करा वो मर गए, तो फिर क्राइसिस हुआ, तो फिर कहा भाई इसका तरीका ये है कि पहले आप एनिमल्स में चेक करो। नेक्स्ट,
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रग डेवलपमेंट एलोपैथी में कैसे हुआ और आज के उनके जो ड्रग कैंडिडेट्स हैं जिसको ड्रग के लिए वो तैयार करेंगे वो केमिकल लाइब्रेरीज हैं। उसमें पहले वो छांटते हैं किस मॉलिक्यूल पे क्या काम करना है, लाइब्रेरी में जाकर, तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। हाई एडमिशन फेलियर रेट जो है करीब करीब 90% है और $1-2 बिलियन खर्च होते हैं एक दवा को मार्केट में आने में, वो काम की है नहीं ये नहीं पता। नेक्स्ट, तो क्लिनिकल ट्रायल जो है ये बहुत ही क्रूड तरीका है क्या पता लगाने के लिए, उनको यूज करने हैं केमिकल्स, बिना ट्रायल के देखो तो मर जाएंगे लोग, तो उनकी मजबूरी है कि पता लगाएं पहले ट्रायल करके कि कौन से केमिकल को हम एज ड्रग यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सेफ है या नहीं है, उसकी एफिकेसी है या नहीं है। और शरीर को तो पूरी तरह से बस फिजिक्स और केमिस्ट्री मानते हैं, बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। और केमिकल क्यों यूज करते हैं वो, यहाँ सारा पेच है, क्योंकि केमिकल को ही पेटेंट कराया जा सकता है, आंवले को तो पेटेंट करा नहीं सकते। अगर आंवला पेटेंट हुआ होता ना तो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट मेडिसिन होता है, इस समय फैला देते पूरे विश्व के अंदर। नेक्स्ट, 90% ड्रग फेल होती है क्लिनिकल ट्रायल में। नेक्स्ट, ये इसको भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, क्लिनिकल ट्रायल के अंदर साइंटिफिक इनहेरेंट एरर्स हैं जिसको बड़े से बड़ी साइंस कहा जाता है। पहली एरर है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, यानी कि एक दवा सब में काम करेगी, ये गलत प्रिंसिपल है। दूसरी क्या है, डिफिकल्टी टू इंटरप्रेट, जो हमारी जिस सैंपल पे हम काम कर रहे हैं वो सैंपल अलग है और जिस पॉपुलेशन पे हम लगाने वाले हैं उसको, वो दोनों अलग हैं, तो वो जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। ये साइंटिफिक इसका जो डेफिशिएंसी वो है, पुअर एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी तो यही है जो मैंने बताया आपको, इंटरनल ये है कि आपने स्टडी कैसे डिजाइन की है, आपको सही आंसर मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये डेफिशिएंसी है। और इनकरेक्ट आपने इंफ्रेंस निकाल लिया और आपने बता दिया कि ठीक है, ये साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट, दूसरी है इंडस्ट्री की प्रॉब्लम, ग्रीड की प्रॉब्लम, लालच है। तो पब्लिकेशन बायस है, कौन सी स्टडी पब्लिश होगी जिसमें बढ़िया रिजल्ट होगा, जबकि साइंस ये कहती है कि अगर आपकी कोई दवा फेल हुई है वो भी बताओ आप, अभी तो साइंस डेवलप करेगी, वो नहीं, चेरी पिक ऑफ रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट छाटेंगे केवल, ये टेक्नोलॉजी है जो यूज होती है। पब्लिश और पेरिश, जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए है कि अगर आपकी स्टडी पब्लिश नहीं हो रही है तो आपको सेक कर दिया जाए। एडिटोरियल छपते थे पहले जर्नल्स में, आजकल एडवर्टोरियल छपते हैं, यानी कि दवा का एक तरह से पब्लिसिटी करते हुए लिखा जाता है। डेटा मैनिपुलेशन बहुत आम बात है, झूठा रिजल्ट सामने लाने के लिए। पीयर रिव्यूज जो होते हैं वो भी डाउटफुल हो गए हैं आज की तारीख में। और आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल जो है ना, आपको आप पढ़ना चाहते हो पेमेंट करिए पहले, ये चल रहा है। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ी बात, क्लिनिकल ट्रायल में कितनी ट्रेजेडीज होती हैं, हो चुकी हैं और कितनी क्रूअल है ये हमें हमारा इस तरफ ध्यान नहीं। एक थैलिडोमाइड ट्रेजेडी हुई है जब हजारों प्रेग्नेंट वुमेन्स को दी गई थी वो दवाई और हजारों बच्चे या तो मर गए जो पैदा हुए या उनके हाथ पैर डेफिशिएंसी थी। और ये आज भी होती रहती है, कहने को क्लिनिकल ट्रायल बहुत सेफ बना दिया गया है उसके बावजूद भी मैं बताऊंगा आपको अभी। तो इसलिए एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और कितने लाखों करोड़ों एनिमल्स मारे जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल के नाम पे, कितनी क्रूअल है ये जिसको हम दवा मानते हैं। नेक्स्ट, 2016 में फ्रांस में ट्रायल में 6 व्यक्तियों के ऑर्गेन फेल हो गए, एक मर गया। अमेरिका में ये आते रहता है, अखबारों में नहीं आता ज़्यादा। भारत में ये सब डेटा दिया हुआ है मैंने, और भारत में क्लिनिकल ट्रायल करना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, इतना पेमेंट वेमेंट नहीं करना पड़ता, तो भारत हब बना हुआ है इस बात का। नेक्स्ट, ये बता रहा हूँ मैं आपको, वन साइज फिट्स ऑल क्या मतलब है इसका। हमने 1,100, 500, 400 एक सैंपल बनाया पेशेंट्स का, वो भी छांट छूट के, बिल्कुल एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग क्राइटेरिया लगा के, अपने मतलब के लोग छांट के, और उनके जो वेरिएबल्स हैं वो भूल गए थे, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनके डाइट की हैबिट्स क्या है, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एनवायरमेंट, सब कुछ हमने बराबर कर दिया कि नहीं सब लोग जो ये सैंपल है पूरी दुनिया ऐसी ही है।
इस ये साइंस नहीं है, सब लोग अलग अलग हैं, और ये बात मॉडर्न मेडिसिन ने भी मान लिया। ये बात को कौन क्या है जो आयुर्वेद कहता है प्रिसीजन मेडिसिन, कि हर व्यक्ति अलग है, एक ही रोग की दवा भी अलग अलग होगी। नेक्स्ट, FDA ने स्वीकार कर लिया कि भाई ये जो हमारी जो ये क्लिनिकल ट्रायल मेडिसिन है ये तो वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच पे काम करती है, एवरेज पेशेंट पे काम करती है, सबको फायदा नहीं करेगी, हमें प्रिसीजन मेडिसिन चाहिए। नेक्स्ट, ये FDA कह रहा है। और उन्होंने क्या किया अमेरिका में, एक 10 लाख लोगों का एक कोहोर्ट बनाया और कहा भाई इनके जेनेटिक डेटा इकट्ठा करो, इनके बायोलॉजिकल सैंपल इकट्ठे करो, इनके डाइट इन्फॉर्मेशन लो, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके पता लगाओ कि कितने तरीके के मानव होते हैं, आखिर उनका प्रिसीजन इलाज करें हम। नेक्स्ट, तो मेरा कहना है भाई आयुर्वेद के शरण में आ जाते हैं तो पता चल जाता है कि त्रिदोष प्रकृति होती है, वात पित्त कफ, ये त्रिदोष प्रकृति है, इसके हिसाब से 7 तरीके के क्लासिफिकेशन हुआ है मानवों का, तो आपको पता चल जाता बिना इतने आपने मिलियंस पैसे खर्च किए। नेक्स्ट, और ये बात आयुर्वेद की प्रकृति जो है ये जीनोम एनालिसिस से सिद्ध हो गई, जब उन्होंने जेनेटिक उसका वो किया तो पता चल गया। नेक्स्ट, तो एलोपैथी आज प्रिसीजन मेडिसिन पे काम कर रही है, जीनोटाइप के बेस पे जेनेटिक कॉन्फ्यूजन पता लगाते हैं, खासतौर से ये यूज हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर में कि कीमोथेरेपी काम करेगी या नहीं करेगी, तो वो जीन के बेसिस पे पता चलाते हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है केवल फिनोटाइप बात पिट का देख के बता देंगे इसको कौन सी दवाई काम करेगी, है ऐसा कि नहीं। तो आयुर्वेद जो प्रिसीजन मेडिसिन है वो कहती है कि एक रोग अलग अलग मेडिसिन होगी अलग अलग लोगों के लिए, और क्लिनिकल ट्रायल मेडिसिन कहती है कि एक दवा सबको दे दो। नेक्स्ट, तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल है ये एलोपैथी के लिए जरूरी है, मस्ट है, क्यों, अरे भाई केमिकल यूज कर रहे हो खतरनाक, आपको तो ट्रायल करना ही पड़ेगा, लेकिन आयुर्वेद क्यों करे ये ट्रायल, आयुर्वेद को क्या नई दवा खोजनी है या उसको ये पता लगाना है कि दवाएं सेफ है या नहीं है या एफिकेसी है, ये तो सब लिखा हुआ है स्क्रिप्चर्स में, हजारों सालों से यूज कर रहे हैं भाई, तो क्यों करें ट्रायल, आयुर्वेद क्यों करें ट्रायल, तो ये मूर्खता कहें या उनकी धूर्तता कहें। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक नेचुरल क्लिनिकल ट्रायल बताता हूँ, अगर क्लिनिकल ट्रायल की बात करनी है, 1 सेंचुरी से ज्यादा एलोपैथी यूज हो रही है हमारे कंट्री के अंदर एज ए मेन ट्रीटमेंट मॉडलिटी, और हेल्थ के स्टेटस मैंने आपको बता दिया, तो इससे बड़ा कोई क्लिनिकल ट्रायल है क्या कि सिद्ध करने के लिए कि ये काम नहीं कर रही है पैथी, इसको मानने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट, और मुश्किल क्या है कि जो लोग आज तक भी जिनके पास एक तो शास्त्रों की कोई नॉलेज थी नहीं बेचारे, ठीक है ना, दूसरा आज तक भी ट्रायल ट्रायल करे जा रहे हैं, भाई फाइनल बात पता चलेगी आपको कभी नहीं, उनको तो कह दिया ग्रेट और साइंटिफिक, और जिनको सब पता है पहले से उनको कह रहे हैं फूल से नर साइंटिफिक। नेक्स्ट, तो ये ट्रायल कब तक चलेंगे भैया तुम्हारे, कितना समय कितना पैसा और लगाओगे तुम। नेक्स्ट, और ट्रायल कौन करता है, आपको अगर रोटी बनानी आती है तो आप क्या उसका ट्रायल करते हो, अरे भाई ट्रायल वही करेगा जिसको नहीं आती, तो अज्ञानी लोग ट्रायल करते हैं, ज्ञानी ट्रायल करेगा, तो क्या आयुर्वेद क्या ट्रायल और एरर से विकसित हुआ है, आयुर्वेद तो एज इट इज प्रकट हुआ है, ये तो एलोपैथी विकसित हुई है, तो उनको करने हैं ट्रायल, सब आप भी करो, भी क्यों करें, तो हमारी संतुष्टि के लिए करो, तो ये तो वही बात हुई कि किसी बच्चे को आपने कोहिनूर हीरा दे दिया, बच्चा बोला ये क्या है, भाई कोहिनूर है, कहता इससे चॉकलेट आ जाएगी, मतलब उसको चॉकलेट खरीद के दिखाओ तो वो मानेगा ये कोहिनूर है, ऐसी आयुर्वेद के लिए हो रहा है, फिर ट्रायल करके दिखाओ तो मानेंगे कि तुम्हारी कुछ कीमत है। नेक्स्ट, और सिंगल ड्रग ट्रायल करते हो, बिल्कुल अनसाइंटिफिक है कि एक दवाई सारे लोगों में बराबर काम करनी चाहिए, ये तो साइंस ही नहीं है, तो आयुर्वेद के लोग इस चक्कर में ना पड़े ट्रायल ट्रायल, अगर उनको कुछ करना है, एलोपैथी तो ये कहती है कि एक दवा एम्ब्रोलिपिन है, 100 पेशेंट ब्लड प्रेशर के भी यूज करेंगे और पता लगेगा कितनों में काम किया कितनों में काम नहीं किया, ये तो उनका तरीका है जो गलत है। आयुर्वेद क्या कर सकता है, आयुर्वेद ये कहेगा कि आप हमें 100 पेशेंट ब्लड प्रेशर के दे दो, हम उसको ठीक करेंगे अलग अलग तरीकों से उनकी प्रकृति के हिसाब से, और सबको ठीक कर देंगे। तो आयुर्वेद का ये तरीका तो हो सकता है,
लेकिन हम ये कोशिश करेंगे वृहदपाल चिंतामणि से हम सबको ठीक कर देंगे, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, तो जो क्लिनिकल ट्रायल है ये कोई साइंस नहीं है, लेकिन ये मॉडर्न मेडिसिन का बेस्ट तरीका है उसके अपने लिए, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता था कि केमिकल्स को ड्रग्स के लिए ड्रग्स की तरह से कैसे यूज करें, ये उसका उनका विचारों का तरीका है। और बेनिफिट टू रिस्क रेशियो पे काम करता है ये, यानी कि ये पता लगाया जाता है कि इस दवाई का फायदा थोड़ा ज्यादा हो नुकसान थोड़ा कम हो तो वो दवा बहुत बढ़िया होगी आपके लिए, नुकसान सबका होना है ये इनका फंडा है। इसके बावजूद भी एक भी दवा नहीं है जो 100% सेफ हो, एडवर्स इफेक्ट सबके हैं, क्योर कोई होता ही नहीं है, और ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने बताया आपको। तो क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज हैं जो बिलियन डॉलर खर्च कर सकती हैं, केवल उनको उनके बस की रह गया क्लिनिकल ट्रायल करना, उनकी मोनोपोली हो गई और उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। तो ये सारी रिसर्च और ट्रायल जो है आज की तारीख में इंडस्ट्री के हाथ में है। तो जो ये सर्विस का फील्ड था नोबेल फील्ड, ये पूरी तरह से इंडस्ट्री बन चुका है, पैसा कमाने का धंधा उनके लिए, इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सारे डॉक्टर्स को ब्राइब किया जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं, फॉरेन टूर कराए जाते हैं, कोई वर्ल्ड में मेडिकल कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसी एलोपैथी में जो उनके बिना हो जाए, इनकी स्पॉन्सरशिप के बिना हो जाए। नेक्स्ट, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं साहब, ये जो आर्नल्ड सीमोर एलमैन है, हार्वर्ड प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, NEJM नेशनल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का जो है प्रेस्टीजियस जर्नल, उसके एडिटर रह चुके हैं, वो कह रहे हैं द मेडिकल प्रोफेशन इज बीइंग बॉट बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, खरीद लिया है फार्मा इंडस्ट्री ने मेडिकल प्रोफेशन को, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, सब कुछ बिक चुका है। नेक्स्ट, ये न्यूज आई थी कुछ टाइम पहले, हैरिसन जो बाइबल कही जाती है मेडिसिन की, आप जानते होंगे, इसके जो ऑथर्स हैं, अब है टेक्स्ट बुक को तो हम बिल्कुल कोई धर्म ग्रंथ की तरह मानते हैं, उनको $11 मिलियन पे किए गए फार्मा कंपनी के द्वारा, क्यों भाई, क्योंकि वो लिखवाने के लिए जो हम चाहते हैं। नेक्स्ट, यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि एलोपैथी में भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री आयुर्वेद में भी है, कंपनीज हैं, फर्क क्या है दोनों में, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना। एलोपैथी पूरी तरीके से फार्मा इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, कोई नई दवा आएगी फार्मा कंपनी बताएगी, हमें कुछ नहीं पता, नई दवा फार्मा कंपनी बना के देगी, हम बनाने की सोच भी नहीं सकते, तो पूरी तरह से नॉलेज के लिए डिपेंडेंट है। आयुर्वेद में ऐसा है क्या? आयुर्वेद में सारी नॉलेज पहले से वैद्य के पास है, चरक में सुश्रुत में लिखा हुआ है सब कुछ। दूसरी बात, कोई भी वैद्य चाहे बनाते हैं, अपनी फार्मेसी खुद रख सकता है, वो कहने का मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री हेल्प कर सकती है, तो इंडस्ट्री वैद्य को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती कि साहब ये नई दवा यूज कर लो आप, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब मैं आखिरी बात देता हूं, एविडेंस, जो फाउंडेशन स्टोन है एलोपैथी का, जिसको बहुत बड़ी साइंस माना गया है। नेक्स्ट, ये जर्नल्स में बहुत सारे जर्नल, एक लाया हूं केवल, जिन्होंने बताया कि लिमिटेशन क्या है एविडेंस की, इसकी भी लिमिटेशन थे साइंटिफिक। नेक्स्ट, क्लिनिकल रिसर्च से ट्रायल भी बनाया जाता है, वो कहते हैं इसके एनालिसिस जो है वो इनसफिशियंट होते हैं, अंडर पावर्ड, मिसलीडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन तो हो ही सकता है, और ये वो कहते हैं कि एविडेंस भले ही आता है लेकिन खाली एविडेंस के बेस पे आप ये तय नहीं कर सकते कि किस मरीज का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये मानते हैं। तो फिजिशियन का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, पेशेंट की जो वैल्यूज है, पेशेंट का प्रेफरेंस है, वो सब आपको लगाना पड़ेगा, खाली एविडेंस से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए अलग अलग डॉक्टर भाई कायदे में तो अगर एविडेंस आ गया तो बिल्कुल वही सबकी ओपिनियन होनी चाहिए, लेकिन सारे डॉक्टर्स की अलग ओपिनियन होती है, क्यों? तो एविडेंस की क्या वैल्यू हुई फिर? और सारे डॉक्टर्स क्या हर वक्त एविडेंस के पीछे पड़े रहते हैं क्या कि आज ये आ गया, आज वो आ गया, सब किसी के बस की नहीं है? तो जो प्रैक्टिस एक्चुअली हो रही है वो तो बिना एविडेंस की हो रही है, और जो आज एविडेंस आया है कल वो गलत हो जाता है, बदल जाता है सब कुछ। नेक्स्ट, तो ये कहा कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन शुड नॉट मीन ट्रीटिंग एवरीबॉडी द सेम। नेक्स्ट, अब ये एविडेंस के ग्रेड भी होते हैं, हाई ग्रेड, मॉडरेट ग्रेड, लो ग्रेड, वेरी लो ग्रेड, और जब प्रैक्टिस में आते हैं तो सब तो एक ही मान लिया जाता है।
कि चाहे लो ग्रेड एविडेंस भी हो उसको मान के ट्रीटमेंट कर दिया जाते हैं। नेक्स्ट इसके बेसिस पे रिकमेंडेशन बनाई जाती है। दो तरह की रिकमेंडेशन है, स्ट्रॉन्ग और कंडीशनल। स्ट्रॉन्ग में तो मानते हैं कि एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंडीशनल में पता नहीं हमें। और स्ट्रॉन्ग भी क्या है कि इसका फायदा ज्यादा है नुकसान कम है, ये है एविडेंस। और जब मेंबर्स में जब कंसेंसस नहीं होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो वोटिंग करते हैं। वोटिंग करके कहते हैं इसको स्ट्रॉन्ग कहना है या कंडीशनल कहना है। नेक्स्ट, अब एक आखिरी बात जो है कि तो फिर क्या इन सब बातों के होते हुए क्या एविडेंस को हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी है वो। नेक्स्ट, ये बिग क्वेश्चन है क्योंकि इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, प्रॉफिट के का एम है, तो झूठ बोलते हैं तो कहते हैं कि इंडस्ट्री को हटा दो। उन्होंने कहा नहीं, इंडस्ट्री को हट ही नहीं सकती, रिसर्च कैसे होगी, पैसा कहां से आएगा। नेक्स्ट, आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? तो एविडेंस के बारे में, हाँ ये ठीक है, एविडेंस के बारे में, ये भी एनईजीएम की एडिटर है जो 20 साल एडिटर रही, वो ये कह रही है कि इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू बिलीव मच ऑफ द क्लिनिकल रिसर्च पब्लिश्ड। वो कहती है कि मैं बड़े दुख के साथ ये कह रही हूँ कि जो एविडेंस है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये एलोपैथी के लोग ही कह रहे हैं। नेक्स्ट, ये लैंसेट के करंट कुछ समय पहले तक ये एडिटर थे, ये शायद हैं कि नहीं मुझे मालूम। ये कह रहे हैं कि करीब करीब हाफ ऑफ द लिटरेचर इज फॉल्स, ये एविडेंस की हालत है। नेक्स्ट, ये जर्नल्स में छपते रहते हैं आर्टिकल की सारी रिसर्च फाइंडिंग झूठ क्यों होती है। नेक्स्ट, तो एविडेंस की साइंटिफिक लिमिटेशन भी है और विश्वास करने योग्य भी नहीं है। नेक्स्ट, दूसरी बात, हम सब जानते हैं ह्यूमन जो है वो बॉडी माइंड एंड सोल का कॉम्बिनेशन है, तो जो एविडेंस है वो मशीनों पर तो बढ़िया काम करेगा, लेकिन जहां पे मन आ गया, आत्मा आ गई, वहां पे एविडेंस कैसे काम करेगा? क्यों? माइंड तो फेथ पे वर्क करता है, एविडेंस पे तो करता नहीं है। फेथ से हीलिंग होती है, डॉक्टर के अच्छे बिहेवियर से हीलिंग होती है, एश्योरेंस दो, कंपैशन रखो तो हीलिंग होती है, इसमें एविडेंस क्या करेगा? और जब सोल आ गई।